हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, नतीजों के बाद मंच से रो पड़े पीएम मोदी, मंच पर भावुक हो गए राजनाथ सिंह और अमित शाह। मोदी क्राई, आई होप नॉट, दैट विल बी सो सैड। और देश की जनता को अपने आप को देखना पड़ेगा क्या किया हमने। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मुझे आंखों में आंसू है, दिल्ली लग रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में दर्द होता है यार। हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। ये तो लोगों को, अपने लोगों को इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार थोड़ा देखा आपके विकास वही वाला के लिए लग रहा है मुझे। सेम है। कोई कोर आगे जाके मोदी ने कुछ बोला नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल फाइव शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। वही हो रहा, सब भूल गए लोग। युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। अच्छा टाइम रास नहीं आया। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। इतनी मेहनत करके देश को आगे बढ़ाया। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 जब इन्होंने बोला ना पूरी ईमानदारी से किया, और सबसे बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, उनका हल्का सा वो झलक दिखी मुझे। दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। सब उदास है, क्या करें, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा। ऐसा रिजल्ट किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। कितना अच्छा काम करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी
भावुक करने वाला पल है। देखा। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया बहुत प्यार मिला। माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया, और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए। वही तो, राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। उसके बावजूद भी हाल है। आजादी के 70 डिजिटल इंडिया बना दिया UPI, सोच सकते हो। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर। अभी बात तो ये हो रही है कि नड्डा जी और शाह जी बैठे हैं। 80 करोड़ जरूरतमंदों को उनके डिसीजन की वजह से भी पंगा पड़ा मेजर। मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। इतना अच्छा अच्छा काम। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। कैसे कोई नहीं दे सकता दिया। GST और IBC जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए, हमने राष्ट्र हित को हमेशा वही तो सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, बोल रही थी ना, सब भूल गए। हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। बिल्कुल, हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया, और इसी का नतीजा है लोगों ने वोट नहीं किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती देखा बड़ी इकोनॉमी है। मोदी जी, क्या आप किसको बता रहे हो? राष्ट्र प्रथम की भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मेक इन इंडिया की आस हमारे सामने उसके बावजूद एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। नहीं दिखता मोदी जी, उन्हें नौकरियां चाहिए लगातार, फ्री की चीजें चाहिए। जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। इतना बुरा लगता है सोचकर। इनडायरेक्टली मोदी जी जो हैं बता रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा
ऑफ कोर्स किसको अच्छा लगेगा, बोल नहीं सकते और यही कह रहे इतना सब कुछ किया हमने उसके बावजूद भी हाल है, ये नहीं बोल रहे मगर उनका यही कहने का मतलब मैं बोल देती हूँ, मैंने बोल दिया हर वीडियो में बोल दिया, उनको भी समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, नहीं इतना बोल के भी समझाने के बाद भी लोग कमेंट सेक्शन में आके इतनी फजूल बातें करते, पर्सनल टॉन्ट्स मारने शुरू हो जाते हैं। आपने यूएसए में बैठे हुए हो, आप तो देश से बाहर गए हो भैया, साफ बोलती हूँ कि इसी तो इसी वजह से बाहर गए हैं कि जिस तरह से लोगों की सोच से गलत वोटिंग किया है। जिस समय में बाहर गए थे 30 साल पहले, सोचो क्या था, क्या हाल था, किसको सब क्या सोच लो, जो लोग हमें लिख रहे हैं वो सब पैदा भी नहीं हुए होंगे जो हमें बता रहे हैं 30 साल पहले जब यहाँ आए थे हम, तो बहुत फर्क है। और जिस तरह से 30 साल पहले की इंडिया किसी ने देखी नहीं है, और इसलिए वो कोई होप नहीं था इंडिया का, राइट, उस वक्त आधी जनता तो पैदा भी नहीं हुई होगी। और अभी जब होप होना शुरू हुई कि भैया अब अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, अब ये नंबर वन बनेगा, अभी देखो इसको हराया, अब इसको पीछे कर दिया, अब जर्मनी को पीछे कर दिया, हमने तो चाइना तक जाना है, उस टाइम लोगों ने कहा भैया हम क्यों अपने इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, हम तो वोट ही नहीं देंगे मोदी जी को, इतना महान काम करके उसमें बड़े खुश हो गए कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे हैं। देखिए मैं तो कहूंगा कि अगले 5 साल जो है डिफिकल्ट रहेंगे होंगे? इंडिया के लिए होंगे, ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस होने की थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ज्यादा तेजी से प्रॉब्लम जितनी भी पॉलिसीज थी आगे जाने की डाउटफुल लग रहा है, मैनिफेस्टो में जो जो काम थे वो डाउटफुल लग रहे हैं, तो अगले 5 साल जो है टाइम वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा और तेज़ी से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर 8% मेंटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अदरवाइज वो भी डिफिकल्ट है। देखो और लोगों ने अपने पैर पे खुलाड़ी खुद ही मारी है, अनएजुकेशन के हैं, नहीं एजुकेटेड थे, समझदार नहीं थे लोग, अब देखो क्या होता है। होप तो मेरा ये है कि सब कुछ गाड़ी ध्यान से चलती रहे और जो भी नीतीश कुमार हैं और जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो शांति से मतलब शांति से बैठ के साथ दें पूरी पॉलिसीज का, नहीं देते तो गए काम से। और उस अब जब इतना डेवलपमेंट नहीं हो ना तो अब मोदी जी को ब्लेम मत करना, राइट, अब मोदी को ब्लेम नहीं करना, अब मोदी जी को ब्लेम मत करना, मेजॉरिटी नहीं है अब, वो कुछ उनका ब्लेम उनके पे भी नहीं, अब उन लोगों पे जाता है ब्लेम जिन्होंने बीजेपी को मोदी जी को वोट नहीं दिया, अपने ऊपर ब्लेम ले लेना। मोदी जी को वोट नहीं दिया उनको कोई नजर आ रहा था उसे बेटर लीडर फिर भी नहीं दिया, क्या सोच के समझ नहीं आया मुझे तो, कौन बेटर था भाई, बेटर लीडर था क्या, है कोई, अखिलेश यादव था क्या बेटर, आई डोंट नो, राहुल गांधी था क्या सोच के नहीं दिया वोट भाई, जरा लिखो तो सही, कौन था जो तुमको रोजगार दे देगा, मोदी जी नहीं तो कौन, कौन रोजगार दे देगा, कौन इन्फ्लेशन कम कर देगा, करना भी होता तो ये मोदी जी ही करते और कोई नहीं कर सकता था, पर तुम लोगों ने ऐसा काम कर डाला कि वो करना चाहे भी तो नहीं कर सकते। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।